साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाचो फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज मैं उत्तराखंड में पहुंचा हूं। गुरुकुल नारसल के पास में गांव पड़ता है ब्रह्मपुर जट। दीपक मलिक जी के चक पर पहुंचे हैं और भाइयों, गन्ने की जो है बहुत ही ज़बरदस्त खेती भी कर रहे, कई तरह की गन्ने की वेराइटी भी है। तो आज अपने किसान भाइयों के लिए वेराइटी लेकर आए 13235। तो भाइयों, 13235 की जो सामने आप प्लॉट देख रहे, ये गन्ना पेटी है। और अब की बार में जो है गन्ना किसानों को जो है देखो नई वैरायटी लगानी पड़ेगी, चाहे वो आपकी 13235 हो, चाहे 15023 हो, चाहे 118 की बात कर ले अगर आप, चाहे 14201 हो। तो भाइयों, गन्ने की वैरायटी कई मिलों ने 11015 भी, जो हमारी उत्तम मिल है, उत्तम शुगर मिल, इनके चारों यूनिटों में 11015 जो वैरायटी आई उसकी भी बुआई कर रहे हैं अब की बार किसान। तो इनके यहाँ पे तो 11015 भी है, नई वैरायटी कई है। तो फिलहाल हम 13235 की गन्ना पेडी और पौधे के बारे में बात करेंगे इनसे। तो सबसे पहले मैं मिलवा दूँ एक बार दीपक जी से। हाँ जी, नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी, हो राहुल भाई ठीक हो? हाँ जी, बढ़िया जी, बढ़िया जी। तो जी, काफ़ी समय बाद आपके पास में आए और गन्ने की कई वैरायटी आपने लगा भी रखी जी। सामने जैसा देख रहे, खेत की तैयारी भी चल रही है। अभी से पहले जनवरी में सर्दी हो रही है, अभी तक किसी खेत की तैयारी नहीं देखी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जी 13235, जैसे पिछले साल कुछ भ्रांतियां चली जी, किसान को क्या है कि आज किसान इन वीडियो को देख कर भरोसा कर रहे हैं, बिल्कुल विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि जिस चीज की नेगेटिव भ्रांति चल जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। हाँ जी, और पॉजिटिव हो जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, चाहे उसमें पर हो कुछ ना कुछ ना हो। हाँ जी, 13235 कहीं ना कहीं उसी चीज का शिकार हुआ जी, क्योंकि अर्ली की वेरायटी है ये और शीघ्र पकने वाली जी। अगर किसी किसान को मिल गई थी असोज में, उन्होंने लगा ली तो स्प्राउटिंग होगी, या किसी ने लागत ज्यादा लगा दी जी, तो ये वैरायटी कहीं ना कहीं बहुत पीछे पहुंचा दी लोगों ने। हाँ। फैक्ट्री वाले कोई नाम लेना चाहते नहीं ना। क्योंकि 15023 में रिकवरी ज्यादा, इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं किसान के लिए हम वीडियो जो बना रहे जी, किसानों को भी लाभ होना चाहिए, फैक्ट्री वालों को तो लाभ होना चाहिए, लेकिन किसान हमारे सबसे पहले। हाँ जी, तो जैसे आपने वैरायटी लगाई, हमने भी कई वीडियो शूट करी, हमने अपने आप भी लगा के देखी। तो बीमारी की अगर बात करें इसमें, जो आज किसान परेशान है कि कीटनाशक फंगीसाइड 15 दिन स्प्रे, और किसान ने इतनी लागत अपने गन्ने में लगा दी कि आज उसे कोई बचत नहीं हो रही ना। सच्चाई ये है, क्योंकि हम खुद किसान है जी, जी। हम इसे धरातल से जाना है कि भाई इसमें गन्ने में आज के टाइम में 10 से 12 हजार रुपए कोई अपने आप मेहनत करके नहीं बचा पाता। ठीक है जी, अगर मजदूरों पर डिपेंड करे तो मजदूर कहीं मिल नहीं रहे। अब की बार में समस्या हमें यार, नौकर नहीं आता रहा, बताओ क्या करे खेती, कहता होगी। तो 13235 में जो आपने पिछले साल भी लगाया, उससे पहले साल भी लगाया, तो आज किसान भाइयों को ये सच्चाई बताओ कि इसमें बीमारी हो तो बताओ, और नहीं हो तो फिर जो भी कुछ है बिल्कुल सीधी सर। भाई जी, हम 38 पर चले, यहाँ से ही शुरू हो। हाँ जी, हाँ जी, 38 पर हमारा 1500-2000 रुपए बीघा का, हाँ जी, मतलब खर्चा आ रहा है जी जी जी, स्प्रे और दवा का जी जी। इस वो निकल रहा है हमारा खींच तान करके 80 का। अच्छा जी, सारा एवरेज आता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कितने बीस का बीघा जी आपका? 20 का, मतलब बड़े बीघा आपको तो वो 600 कितने मीटर हो, 630 वाला, वो तो 5 मीटर का, 683। हाँ जी, हाँ जी, तो 80 का एवरेज आज आपका। मैं एक अनुमान बताया, 38 में 80 का आया, हमने जो दवा गेरी 2500-2500 रूपए बीघा की। ठीक है जी, इसमें हमने दवा नहीं गेरी 500 रूपए की। अच्छा, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी? अजी पड़ती नहीं, एक स्प्रे मार दिया और मान लिया कोई एक आधा पैकेट 5 बीघे में फटेगा, फेंक दिया वहाँ, 5 बीघे में 2 फेंकने पड़ रहे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, एक बिल्कुल। स्प्रे मार दिया तो हम तो 500 रुपए बीघा खर्चा मान के चल ले जी, जी जी। अगर यो 70-65 निकल गया तो उससे तो बढ़िया, घोड़ा देखो कितना। हाँ नहीं, घोड़ा भी बढ़िया जी, बिल्कुल। बस इसमें तो कमी एक हो, जैसा 38 2 दिन छोल को हमने खेत में डाल दिया, उसका वेट लॉस नहीं होता, इसका यहाँ कमी है बस। अच्छा, वेट लॉस, ये डे टू डे मिल में जाना चाहिए या सेंटर भी, जो जहाँ भी डाल रहा है। अच्छा अच्छा, दूसरी क्या लगी समस्या? जैसे शीघ्र पकने वाली वैरायटी है। हाँ, तो असोजी जो गन्ना बो रहे किसान, एक उसे वहाँ भी नहीं बो सकते, वहाँ भी नहीं बो सकते, इसे फिर असोजी को सबसे पहले पेडी से पहले काटना पड़ेगा, अगर असोजी में बो दिया। हाँ जी, रेट भाग गई नहीं, इस वैरायटी का एक लाभ हमारे यहाँ किसान ले सके, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ गेहूं की खेती कराए गन्ने से बाद में तुरंत, और गन्ने से बाद में लगाते हैं सुधा, मतलब गेहूं से बाद में फिर सीधा गन्ना लगे जी, तो उसमें तो ये बहुत बढ़िया काम करेगी। अप्रैल में बो, अप्रैल में, हाँ मैंने लास्ट में अप्रैल में बोई थी। तो जी, बीमारी के हिसाब से अगर आपने देखा किसानों को वहीं बचाना, नाम, नाम चलेगा इसमट आ जा पेडी में। हाँ जी, हाँ जी, इसमट नाम चलेगा जी जी। और इसमें आया था, मिल क्षेत्र के भी लोग आए थे, मतलब मिल से भी आए थे। हाँ जी, हाँ जी, अभी कर लो मैंने यही देखने के लिए देखना था, मगर भाई क्या हो। हाँ जी, हमें तो कुछ लगा नहीं था। अच्छा, एज इट इज छोड़ दिया जी जी जी। एक स्प्रे इधर जब 38 पर मारा था, जब हमने बची दवा मार दी थी। अच्छा अच्छा, अगर बात करें
ट्रेंच विधि की, तो लगभग कितने साल से आप ट्रेंच विधि खेती कर रहे हैं? मैं तो भाई मेरी याद नहीं है, याद 15-16 साल ना हो गया। अच्छा ज्यादा समय हो गया। हाँ जी, तो शादी विधि तो बहुत दिन हो गए, छोड़ दो शादी पे तो आप जाने के भी नहीं। तो जाना तो यो हो, जाना तो है नी, मगर अगर शादी के खुड़े एक जगह पड़ने पड़ो हम, उसी जगह हमारे पास जमीन नु वहाँ पड़े हम ना, तो हम बड़े अजीब लगे, हम तो उतर के देखना पड़ा भाई क्या हो रहा है। शादी में नहीं चलने का। क्या चौड़ाई ले रखी लगभग आपने? लगभग 56 इंच जो छोटा ट्रैक्टर। अच्छा अच्छा, आराम से निकल गया। छोटा ट्रैक्टर कौन सा ले रहे जी? फार्म ट्रैक आइटम, फार्म ट्रैक अपने दोस्त पे ही हो। जी जी जी, उससे हो जाएगा। अच्छा, उससे हो जाएगा। तो जी लगभग जैसे आपने वैरायटी लगा रखी है अबकी बार में, लगभग 5 से 6 नई वैरायटी आपके पास में है? भाई जी वैरायटी तो मेरे पास सही मैंने में होगी 30-32। 30-32 थारी के बात हमने, मतलब चाहे हो दो ही गन्ने मगर हो रहे जो भी मिल जा लगा ली जा। लगा ली जा जी। अगर बात करें पास वैरायटियों की, क्योंकि हमें तो मिल के लिए मिल में गन्ने डालने के पास रिलीज और अनरिलीज पे आ जाओ तो 2 साल के अंदर अंदर ही अगर बांस में भी रस निकलेगा ना, मिल की मजबूरी हो जाएगी बांस लेना भी। हाँ, अब ये तो मोहना मिल को दी थी 2200 रूपए क्विंटल 15023। हाँ जी, हाँ जी। आज वहाँ बंद कर दी वो। हाँ, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। 15023 सबको बहुत नुकसान दिया, हमें दिया। अच्छा, नुकसान दिया आपको? हाँ, 15023 ने नुकसान दिया। तो 35 के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप किसानों को? भाई जी 35 तो बो जिनी खर्चे का है और बो दो उल्टा सीधा और जमाओ भी बहुत और रोक कुछ है नहीं। जी जी, गन्ना आपके सामने। ये कब की आपकी बुआई थी जी पौधे की? ये थी जी मार्च की थी। अच्छा, मार्च की थी। जो आपने पेटी प्रबंधन किया, मिट्टी चढ़ा रखी इसमें? हाँ जी। तो इसमें एक दौर से कटाई करी थी आपने? एक दौरे से कटाई करको जी, और रेटून से कैट को जी पत्ती यही दाब दी थी, और फिर मेरे पास एक मिट्टी उतारने का एक यंत्र हो रहा है, पत्ती दब गई थी, यही पत्ती भी यही दबा रखी सब। अच्छा, पत्ती भी यही दबा रखी। तो इसमें क्या लागत आपने लगा रखी जैसे आपकी गन्ना पेटी? 4 धड़ी यूरिया। 4 धड़ी यूरिया बस? हाँ जी, और 1.5 पैकेट फटे रहेगा एक स्प्रे। और तो भाइयों मैं आपको एड्डी का खेत दिखा दूं इनका जी, ये देख लो भाइयों। 13235 को जो लोग बता रहे कि कुछ नहीं है या इसकी भ्रांतियों के चक्कर में आ रहे लोग, तो भाइयों सबसे कम खर्चे की वैरायटी है इस समय पे ये, और जो किसानों को अब की बार में बिल्कुल सस्ते रेट पे आसानी से उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि इतनी मात्रा में वो भूखे किसानों के पास। हाँ जी, खूब बढ़िया तरह वो रखी है लोगों के पास में पेड्डी के खेत मिल। कुछ भ्रांति आई? हाँ जी, इसमें तो फूटा वो। हाँ जी, अगर गिर गया हाँ तो फुटा हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, गन्ना बनाई मो टूट गया तो फुटा हुआ होगा, वो तो किसी भी वैरायटी में होगा, किसी में भी। हाँ, और आपने लागत ज्यादा दे दी और समय पे ना काटा, असोजी बोल दिया ना काट रही है तो भी स्पाउटिंग करेगी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 15023 भी कर ली, नई नई वैरायटी सारी कर ली, किसी कह ले 11015 खुद कर जा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों ये थी, देखो आज जो है नीचे से देखो, कोई तिबरसी पेड्डी भी छोड़ना चाहता हो तो इतना तकड़ी ट्रिलिंग इस वैरायटी में है। तिबरसी की तैयारी जी? अच्छा, तिबरसी छोड़ोगे? तिबरसी की ही तैयारी है, तिबरसी छूटेगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तिबरसी छूटेगी जी जी। तो भाइयों 13235 की आज गन्ना पेड्डी जैसे आपने जी यहाँ से काट के गई आपकी है। हाँ जी। तो वजन की अगर बात करें सबसे लास्ट में, तो दीपक भाई वजन का क्या हिसाब किताब लग रहा जी? जैसे कुछ लोग कह रहे कि वजन कम है, वजन कम हमें तो लगा नहीं इसके गन्ने में। 38 के सामने अगर 38 को बो का और गन्ने को कंपेयर कर रहे तो भूल जाओ। हाँ बिल्कुल, इसका विकल्प कोई ना है ना आएगा, ये भी फैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। महाराष्ट्र की एक दो वैरायटी मगर यहाँ उन्हें मील एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी, ये भी सच्चाई है, ये तो सच्चाई है। 38 के अगर सब बेकार है, मगर 11015 भी है जी, 11015 तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से भाई जी, कोइन बटूर से आई वो तो आई हुई है, मगर अभी वो जब फैल जाएगी और जब वो गोला सा अलग तू लगी जब पता लगेगा। हाँ जब पता, वैसे गन्ने में वेट काफी है, लेकिन एक चीज बतावा है जी, बाकी वेट का तो पता चला है जब मील की चैन लो चली जा, अभी तो वैरायटी वैसी भागी फिर रही। बिल्कुल बिल्कुल, मगर हाँ गन्ने में वजन है। हाँ जी, हाँ जी। तो भाइयों आज के विश्लेषण में 13235 की गन्ना पेटी मैंने दिखाई दीपक भाई से, इनका अनुभव लिया, लगभग 3 से 4 वर्षों से 13235 लगा रहे। तो भाइयों कुल मिला के किसान को अब की बार में हर हालत में जरूर लगानी, चाहे 1 बीघा लगाओ, चाहे 2 बीघे लगाओ, चाहे 10 बीघे लगाओ, 13235 ही ऐसी एक वैरायटी है अब फिलहाल में जो किसानों को इस दवाई के बोझ से हटा सके और उनकी लागत कम कर सके। तो भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दीपक भैया जी की, अगली वीडियो बनाते हैं नई वैरायटी की, तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना, नमस्कार। और कमेंट करके भाइयों एक चीज़ और बताना मुझे, जिनके भी पास में 13235 है और उनके पास में खराब है तो खराब वाले भी कमेंट करियो, क्या दिक्कत आ रही, ठीक है जी, और अच्छी है तो वे भी कमेंट करियो भाई सब, ठीक है जी।